एक बार की बात है, जब क्लॉक टावर पे माइकल नाम का गुंडा आ जाता है और वो एडम से इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो क्लॉक टावर को ही जलाना शुरू कर देता है। देखो गाइस, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोग को भी एडम पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अगर आप लोग को रेड टेल में पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माइकल क्लॉक टावर को जलाकर एडम की बुलेट लेकर वहां से निकल जाता है। आग इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर सभी लोग यहां वहां भागने लग जाते हैं, और रेड क्रिमिनल को जब ये सब पता चलता है तो वो जल्दी से एडम के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये एडम तो अपने ही सपने में फ्री फायर खेल रहा है, तो रेड क्रिमिनल एडम को उठा देता है और उसको सारी बातें बताता है कि क्लॉक टावर पे आग लग चुकी है, जिसके बाद एडम उसकी बात ना सुन के बाहर जाकर एक बार चेक करता है और वो देखता है कि क्लॉक टावर में बहुत ज्यादा भयंकर वाली आग लग चुकी है। जिसके बाद एडम और रेड क्रिमिनल अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी एडम को हिप हॉप दिखता है जो अपने घर के बाहर खड़े होकर रो रहा होता है। एडम जल्दी से जाके हिप हॉप से पूछता है, जिसके बाद हिप हॉप बताता है कि उसका लड़का उसी आग लगे हुए घर में फंस चुका है। एडम भी बिना किसी के सुने हिप हॉप के बच्चे को बचाने चले जाता है, लेकिन आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से एडम को कुछ नहीं दिखता। लेकिन तभी उसको हिप हॉप का बच्चा दिख जाता है और एडम उस बच्चे को बचा के घर के बाहर भेज देता है। लेकिन तभी घर के अंदर बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। तो गाइस, क्या एडम बच पाएगा? जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट कर देना।